सभी को मेरे नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो कंटेंट है हमारा थोड़ा सा यूनिक और एक अच्छा कंटेंट है, तो जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जो इस वीडियो में बताने वाला हूं वो ये है कि बीए मैथमेटिक्स, जैसे आप सभी को मैंने बताया था कि बीए भी आपकी मैथमेटिक्स से होती है, मतलब क्या है कि जो बीएससी की मैथमेटिक्स होती है और जो बीए की मैथमेटिक्स होती है वो बिल्कुल सेम होती है, बस केवल नंबरों का अंतर होता है। तो उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा और बेसिकली ये बताऊँगा कि कितने नंबर आपको चाहिए होते हैं उसमें एडमिशन के लिए, कितने पैसे वगैरह आपके लगते हैं, किस तरीके का पूरा जो सेटअप होता है किस तरीके से आप करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो बीए मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, बेसिकली ये क्या है कि अगर किसी को फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम है तो ये स्ट्रीम चुन सकते हैं, या जो मैथ्स लवर हैं और साथ ही में अगर आईएएस पीसीएस वगैरह किसी बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस स्ट्रीम को चुन सकते हैं। ओके, तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है या फिर अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को फटाफट करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कि व्हाट इज़ बीए मैथमेटिक्स, बीए मैथमेटिक्स है क्या। देखिए बीए मैथमेटिक्स, देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रीम बनाया हुआ है इन लोगों ने कि जो बीए वाले स्टूडेंट है वो भी आपका मैथमेटिक्स कर सकते हैं, पर शर्त क्या है, पहली शर्त ये है कि आपके पास ट्वेल्थ क्लास में पीसीएम होना चाहिए, जैसे आपके पास ट्वेल्थ क्लास में पीसीएम है उसके बाद आप बीए मैथमेटिक्स के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगा CCSU का, क्योंकि देखिए हम जो अपनी वीडियोस जो अपलोड करते हैं आप सभी जानते हैं CCSU के रिगार्डिंग हम वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं। देखिए CCSU में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इस कोर्स को, मतलब एक जहाँ पर अवेलेबिलिटी आपको मिलती है बीए मैथमेटिक्स की, अवेलेबिलिटी आपको बहुत कॉलेज में मिलती है। अगर आप उन कॉलेज का नाम जानना चाहते हैं तो उसकी मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह बता देता हूँ कि किस तरीके से कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है कि बेसिकली अगर आपको परसेंटेज की मैं अगर रिक्वायरमेंट बोलूँ, अगर आप SC ST में आते हैं तो बेसिकली अगर आपकी 60% भी है तो लास्ट तक आपका एडमिशन हो ही जाता है। बेसिकली अगर मैं हर साल की बात करूँ तो क्या होता है कि जो आपकी लास्ट मेरिट लगती है वो 55-54 तक भी पहुँच जाती है, 55-54% तक भी पहुँच जाती है, बट उसके लिए आपको वेट करना होगा लास्ट तक। आ रही आपको बात समझ में? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि फर्स्ट मेरिट लगी SC ST वालों की 65 पर, सेकंड मेरिट लग गई 60 पर, तो एडमिशन मान लीजिए अगर कम हुए, और हर साल का रिकॉर्ड है कि नॉर्मल कम ही एडमिशन होते हैं इस कोर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं या तो वो BSc करते हैं या फिर प्योरली BA ही करते हैं। आ रही आपको बात समझ में? तो इस कोर्स के लिए इस कोर्स के लिए थोड़ा सीट बची हुई रहती हैं। तो बेसिकली जो अगर मैं बोलूँ हर कॉलेज की, अगर CCSU के हर कॉलेज की मैं बात बोलूँ तो 54-55 तक पहुँच जाती है लास्ट, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहला तो ये हो गया अगर वो SC ST में हैं तो। अगर आप बेसिकली OBC में आते हैं फिर आपकी 60 तक पहुंच जाएगी, जो लास्ट में क्या होता है ओपन मेरिट लगते हैं, तो ओपन मेरिट का क्या सिस्टम होता है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसके बाद जो पहले पहुंच जाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा। अरे आपको बात समझ में? चाहे फिर आपकी परसेंटेज 49 हो, 50 हो, 54 हो या 45 हो, ओपन मेरिट के लिए आपको वेट करना होता है। बेसिकली ये है कि अगर सीट बच जाती हैं तो जब भी आपका एडमिशन होता है, नहीं तो देखिए जो आपका SC ST के लिए मैंने बोला 55 तक लास्ट जाती है और OBC के लिए मैंने बोला आपका 60 तक लास्ट जाती है, और अगर मैं जनरल की बात करूँ तो 65 तक उनका एडमिशन हो जाता है। पहला तो हो गया ये। अब आपको बताऊँ फीस स्ट्रक्चर, जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं CCSU की वेबसाइट पर जाके, आपकी 12th क्लास में परसेंटेज बनी, मान लीजिए 60 बनी, आपने फॉर्म फिल किया, तो वहाँ आपसे 200-250 रुपये वो फॉर्म भरने के लेंगे एक तरीके से। उसके बाद अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो मेरिट में नाम आने के बाद कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में अपनी फीस ले लेते हैं और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो लास्ट में अपनी फीस लेते हैं। तो बेसिकली जो फीस वगैरह होती है बीए मैथमेटिक्स की, अगर आप प्रैक्टिकल जो अदर टू सब्जेक्ट हैं आर्ट साइड के अगर आप वो लेते हो प्रैक्टिकल वाले, तो उनकी लगभग फीस हो जाती है 1200-1300 के समथिंग, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
और जो आपकी विदाउट प्रैक्टिकल वाली होती है तो वो 1000 या 1100 के अंदर अंदर आ जाती है। आपको आ रही है बात समझ में? तो इतना खर्चा उनका आता है और बेसिकली लास्ट में एग्जामिनेशन चार्ज, तो एक साल का जो खर्चा लगभग आपका पड़ता है अराउंड 3000 के अंदर अंदर आ जाता है। उसमें 2500 किसी किसी कॉलेज में, 2500 में भी हो जाता है किसी किसी कॉलेज में, जो पूरी साल का खर्चा आता है वो आपका 2000 में भी काम हो जाता है, 3000 में भी। मतलब ये क्या है अप्रोक्सीमेटली आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जो पिछले कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस कोर्स के मैं थोड़ा सा आपको बेनिफिट्स और बता दूँ। इस कोर्स के बेनिफिट्स बेसिकली ये है, जैसे कि आपको मैथमेटिक्स भी नहीं छोड़नी और आपको किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी, क्योंकि देखिए जैसे आप बीएससी लेते हो तो बीएससी में क्या होता है कि आपको फिजिक्स को भी पूरा टाइम देना होगा, केमिस्ट्री को भी पूरा टाइम देना होगा और मैथ को भी पूरा टाइम देना होगा। तो वहाँ अगर वहाँ आपको कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए टाइम नहीं मिल पाता है ना, आपको वहाँ चाहकर भी किसी, जैसे यूपी पुलिस की भी बहुत सारे बंदे तैयारी करते हैं 12th क्लास के बाद, यूपी पुलिस वगैरह, दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं, एसआई की तैयारी करते हैं, तो उस सब चीज़ के लिए आपको टाइम नहीं मिल पाता है। आ रही आपको बात समझ में? तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट तो ये कि अगर बीए मैथमेटिक्स लेते हैं और मैथमेटिक्स लवर है कि मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, तो आप मैथमेटिक्स भी पढ़ लेंगे वहाँ पर और आप अपनी कंपटीशन की तैयारी भी कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, वो मैं आपको बता दूँ। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि बीए और बीएससी की जो मैथ होती है बिल्कुल सेम होती है, बीए और बीएससी की मैथ बिल्कुल सेम होती है। आ रही आपको बात समझ में? बस फर्क कितना होता है कि बीए मैथमेटिक्स 100 मार्क्स की होती है और बीएससी मैथमेटिक्स जो होती है वो 200 मार्क्स की होती है। क्वेश्चन पेपर भी बिल्कुल सभी बच्चों को सेम मिलता है, उस पर लिखा भी होता है। आ रही आपको बात समझ में? फिर दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आपका बिल्कुल सेम आता है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। ऐसा नहीं कि बीए मैथमेटिक्स के लिए अलग या फिर बीएससी मैथमेटिक्स के लिए अलग। फिर दूसरी अगर मैं और अगली बात बोलूं तो अगली बात ये है कि अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो बुक्स बीएससी मैथमेटिक्स की भी सेम होती है और बीए मैथमेटिक्स की भी सेम होती है। फिर बच्चों के काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर जो सबसे बेस्ट बुक है बीए या बीएससी मैथमेटिक्स की वो आप सजेस्ट कीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है और बुक का नेम है कृष्णा प्रकाशन की बुक आती हैं, जिसकी तीनों मतलब सारी बुक, तीनों ईयर की सारी बुक आपको अवेलेबल हो जाएंगी, कहीं भी आप अमेजोन पर भी देख सकते हैं बेसिकली और आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक हैं और अगर आप उन बुक को अच्छे तरीके से करते हैं तो बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी कर भी आप सकते हैं। अरे आपको बात समझ में? तो कृष्णा प्रकाशन की बुक बेस्ट होती हैं जहाँ तक मेरा मानना है। उसके बाद बहुत सारी बुक्स और भी हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर जो मेरी एक बात और है कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि क्या हम बीए मैथमेटिक्स लेकर सर मैथ के टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो बिल्कुल यस, मेरा सबसे बड़ा जो आंसर है मैं बोल रहा हूँ यस, कि आप बीए मैथमेटिक्स लेकर बिल्कुल मैथ्स के टीचर बन सकते हैं। किस तरीके से? जैसे आपने बीए मैथमेटिक्स किया फिर बीएड कर लिया, बीएड में आपका स्ट्रीम तो आरटी आएगा बट बेसिकली जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे तो वहाँ आप मैथमेटिक्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कमेंट था कि सर क्या हम टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या हम पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये कि क्या हम टेट वगैरह का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सभी के लिए आप बिल्कुल एग्ज़ाम सारे दे सकते हैं, बट जितने भी है, जितने मैंने एग्ज़ाम का नाम लिया उनके लिए क्या होता है कि आपको बेसिकली क्या करना होता है, सबसे पहले बीएड की डिग्री लेनी होती है जो कि 2 साल की होती है। आ रही आपको बात समझ में? तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं बीए मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। अगर आप बीए मैथमेटिक्स जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो जो कॉलेज में अवेलेबल है अगर आप चाहते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर जरूर बताओ बीए मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन से कॉलेज अलॉट होते हैं, तो वो अगली वीडियो में बताऊँगा, बट उससे पहले आपको कमेंट करना होगा और इस वीडियो को सब जगह शेयर करना होगा। और किसी का क्वेश्चन होता है तो हमारे फेसबुक पेज मैथमेटिक्स वर्ल्ड और फेसबुक ग्रुप मैथमेटिक्स वर्ल्ड से जुड़ जाइए, या हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @priyansingh2324 मेरी इंस्टा आईडी है, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।